वो उनके आयनों के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, गौर सुनिएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन पेरेंट्स मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझ लो, ये क्या लिखा, ये बहुत बड़ी बात लिखी। उनका कहना है इनफिनिट डाइल्यूशन पे जो आयन का कंडक्टेंस है वो उनके पेरेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब से आयन कंडक्टेंस है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इनफिनिट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड से आया है या HCl से आया है, दोनों वैल्यू सेम होगी और कांस्टेंट होगी। इनका कहना है कि इनफिनिट डाइल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है वो सेम होता है और कांस्टेंट होता है। ये आयन कंडक्टेंस है एसिटिक एसिड का इनफिनिट डाइल्यूशन पे, इसकी वैल्यू बराबर होगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन ऑफ HCl एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ये देखो ये वो कह रहा है, इसी वजह से कहा जाता है कोलार्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसका मतलब है दो आयन होते हैं वो अपने पेरेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करते इनफिनिट डाइल्यूशन पे, इनफिनिट डाइल्यूशन में किसी भी आयन का कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है कि इनफिनिट डाइल्यूशन में किसी भी आयन का कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है एट इनफिनिट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ आयंस आर कांस्टेंट। ये कहा, इसका मतलब ये